बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची. सुरक्षेच्या कारणामुळे गुजरातमधून तडीपार झालेली व्यक्ती आज देशाची सुरक्षा करते, तो आता देशाचा गृहमंत्री आहे असं म्हणत शरद पवार आणि अमित शहांना टोला लगावलाय. तर याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, माझं बोट धरून ते राजकारणात आले असं म्हणत शरद पवार आणि मोदींना चिमटा काढला. तर मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या वेळी मी खोटं बोललो, ज्यामुळे लोकांना संदेश गेला की हा गोंधळ हिंदू मुस्लिमांमध्ये नव्हता, तर हिंदू आणि मुस्लिम भागात स्फोट झाला हे सांगितलं असा खुलासा पुन्हा एकदा शरद पवार यांनी केला. जो आज भी आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तलीफा किया था. जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तलीफा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी लेकर आज दे गए. टेलीविजन पर मैंने एक झूठी बात कही और वो झूठी बात मैंने ये कही कि मुंबई शहर में मोहम्मद अली रोड वहां भी एक फोर्स हो गया, वहां कुछ हुआ नहीं था. मगर मैंने ये झूठी बात कही, इसका असर ऐसा हो गया मुंबई शहर के सब समाज के लोगों को यह अंदाजा आ गया कि ये मंत्रालय के पास भी हुआ और मोहम्मद अली रोड में भी हुआ. ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ कोई गलत आदमी ने किया है या गलत शक्तियों ने किया है और इसे मुंबई शहर बिल्कुल शांति रहा रखी, कुछ नहीं हुआ और इसमें हम लोगों को कामयाबी हो गई.